वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम गुरभेज सिंह सिद्धू, जॉइंट सैकटरी पंजाब आम आदमी पार्टी हलका मजिठा, पिंड मेरा गोपालपुरा। मैं आप दे माध्यम राही सारी ही संगत को बेनती करना चाहना कि जी आम आदमी पार्टी की सरकार आ पूरी तरह फेल हो चुकी आ। हजे कि मैं खुद आम आदमी पार्टी का पंजाब का जोड़ा अहदेदार हाँ, पर मैं मानता कि जी पंजाब आम आदमी पार्टी फेल हो चुकी आ। भगवंत मान साहब न कुछ समझ नहीं आ रही। आ पिछले दिनों की एक एग्जाम्पल आ, बिना वजह मुंडे फट फट के जेलों में डके जा रहे हैं। किसी से कोई कानूनी धारा लगा दी, किसी से कोई कानूनी धारा लगा दी गई। ये इसनों अगर उन्होंने अरैसट करना भी सी किसी बंदे नूं, तो नॉर्मल तरीके ना भी अरैसट हो सकता सी। अपने पंजाब दियां आर्मी दे सिक्योरिटी फोर्सेस दे उत्ते उन्हां नूं यकीन होना चाहिए। उन्होंने दिल्लियों आर्मी सदी, एडा वड्डा एक छोटे जे काम नूं एडा वड्डा बखेड़ा बना दिता। पंजाब दे विच चार तो पाँच दिन जिहड़ा वा नैट बंद कर दिता गया, आम लोगों नूं पब्लिक नूं हरास किया गया। इहदी जिम्मेवारी जिहड़ी है भगवंत मान साहब की बनती है। मान साहब मेरी तो मंग आ कि तुसीं अपनी जिहड़ी आ सीएम पद तो अस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि तुसीं पंजाब ते पंजाबियों नाल बहुत वड्डा धोखा किया। पूरे दुनिया दे विच पंजाबियों नूं तुसीं बदनाम कर दिता। पूरा तुसीं नैशनल मीडिया देख लो किस तरह सानू पंजाबियों नूं अत्तवादी साबित करन ते तुलिया आ, ते इहदी जिम्मेवारी तुहाडी बनती, क्योंकि तुसी उस कुर्सी ते बैठे जे जिस कुर्सी दे तुसी कहिंदे सी कि हरा पैन मैनूं दो पंजाबीओ, पर तुसी उस पैन दे नाल अज इहो जिहा इक काला जिहड़ा वा अक्षर पा दित्ता, जिहड़ा आउण वालियां तुहाडियां तीन चार पंज पीढ़ियां नूं वी भुगतना पैणा। ते पंजाबी कदी वी इस गल्लों तुहानूं कदी माफ़ नहीं करनगे कि एड्डा वड्डा तुसी पंजाब ते पंजाबी इदां कांड कीता। देखो अगला स्टैप तो मैं मेरा यही है कि मैं आप दे माध्यम राही समूह पंजाब ते पंजाबी नौजवानों बजुर्गों नूं भैणों नूं मातावां नूं बेनती करदा कि अज जिहड़ा पंजाब दे नाल खड़न की जरूरत आ। अज जिहड़े मुंडे खास करके शीशियां दे सामने खड़ खड़ के मुछां नूं वट दिंदे आ, उन्हां नूं बेनती आ कि जां ते वट देना बंद कर दो, ते नहीं ते इस टाइम ते पंजाब दे नाल खड़ो, नहीं ते सारी उम्र लई तुसीं जदों शीशा देखिया करोगे तुहानूं शीशा लानता पाया करूगा कि जदों पंजाब ते पंजाबी दे नाल खड़न दा टाइम सी उदों तुसीं अपने घरां दे विच वड़ के बैठे रहे, अपने कम करां ते अपनियां गोलकां अपने पैसे वल वेंदे रहे, पर पंजाब दे नाल नहीं खड़े। सो बेनती आ कि अज जिहड़ा समां वा पंजाब दे नाल खड़न दा वा, पंजाब दे हक्कां दे नाल, पंजाब दी किसानी ते पंजाब दी जवानी दे नाल खड़न दा मौका वा। फिर तो उही काला दौर कोई नहीं चाहुंदा, पर जिस तरह यह सरकार कर रही है, ये पता नहीं की मनसूबे ला के आ रही है कि पंजाबियों को जबरदस्ती इन्होंने कोई अत्तवादी साबित करना। जिहड़े पंजाबी अपने दसां नौवां की किरत करके रोटी खांदे आ, उन्हां दे उत्ते कलंक लगाए जा रहे इहो जे। सो मेरी बेनती आ सारे ही पंजाब वासियां नूं कि आपां जिहड़े भी नौजवान बेकसूर आ, जिहड़े कोई गुनहगार आ, चलो ठीक है उन्हां ते जिहड़ी कारवाई हो जाए, पर जिहड़े कोई बेकसूर आ उन्हां दे लई हा दा नारा मारीए ते समूह पंजाब दे विच उठ खड़े होइए ता कि पता लग जाए भी इहो जिहा कोई मुड़ के दुबारा काम ना होवे। पंजाब दे विच जिहड़ा दहशत का माहौल प्लैनिंग करके फैलाया जा रहा, कोई नौजवान कोई नहीं दहशत का माहौल बना रहा, कोई नौजवान नहीं चाहता कि पंजाब दहशत का माहौल बने। ये जिहड़ियां कुछ गलत जिहड़ियां ऑर्गनाइजेशन ने उन्हां वल्लों प्लैनिंग करके एक फिल्मी तरीके नाल पूरा तुसीं देख लिओ, पंज सत दिनां तों जिहड़ियां पंजाबियों पंजाब जदों असीं पंजाबों बाहर जाया करांगे ते लोकां ने सानू टिचना करिया करनियां कि तुसीं उह पंजाबी जे। सो सानू सारे ही पंजाबियों नूं मैं बेनती करदा कि ये जिहड़ा टाइम आ सानू अपनी आइडेंटिटी ते साडा पंजाब ते पंजाबीयत नूं सांभण दा वा। सो आओ उठ के एक वारी हा दा नारा सारे निर्दोष लोगों खिलाफ संबंधी मारी। देखो कारण तो मैनू नहीं पता, क्योंकि हुण उस उन्हां दा कारण तो उही दस सकदे आ, पर मैं तो यही कहना भी जो ये किया जा रहा है बहुत गलत आ। ये समूह पंजाबी ते पंजाबी इदा कहाण आ, ये पंजाब नूं फिर तो जिहड़ा काले दौर वल धक्कण दीआं जिहड़ियां ना जिहड़ियां वा मंशा नज़र आ रही इहदे विच्चों। देखो जिम्मेवार ते रिस्पोंसिबल बंदा हुंदा जिहड़ा कुर्सी ते बैठा होवे, उहदी जिम्मेवारी हुंदी आ सारी। भी एक जिहड़ा राजा हुंदा वा एक माँ बाप की तरह हुंदा वा, एक प्रजा उहदे बच्चियां वांगू हुंदी आ। सो उस राजे का उस अहदेदार का यह फर्ज हुंदा वा भी सारिआं दा ख्याल रखे। संधू साहब एक गल दसो कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि सीएम जिहड़े हैगे ने ओह सेंटर दा टूल बन के काम कर रहे जी। इस टाइम तो यही लग रहा कि वह अपना पता नहीं क्यों नहीं ब्रेन वरत रहे, क्योंकि
लोगों ने दुश्मनों ने तो कहना ही हुंदा वा भी धावा बोलना ही हुंदा अपने घर के उत्ते ते ते अपने घर वाले नूं देखना पैंदा कि उन्हें अपना घर किदां बचाउणा वा। ये साडा घर आ, सानूं आप बचाउण लई साफ उठना पैना सानू।